प्रियोन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अनिल। फ्रेंड्स आज है 6 नवंबर 2023। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं उनको कवर कर रहा हूं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 नवंबर। 5 नवंबर को फ्रेंड्स विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। 2023 की थीम है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस राज्य में महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा में फ्रेंड बॉम्बे हाईकोर्ट ने महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व गठन करने का आदेश दिया है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ रिजर्व स्थापना के संबंध में गोवा सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय गोवा फाउंडेशन एक स्थानीय एनजीओ है के द्वारा जो है याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसे राज्य में एक बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, केरल सरकार के प्रतिष्ठित लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योत पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलिंस डिक्शनरी में क्रिकेट से जुड़े शब्द बेसबॉल को जोड़ा गया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, इंग्लैंड के क्रिकेट टीम द्वारा टेस्ट टीम के कोच ब्रैंडन मैकुलम की निगरानी में अपनाए गए विवेक और आक्रामक रवैये के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द बेसबॉल को कोलिन डिक्शनरी में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान सलामी बल्लेबाज मैकुलम का उपनाम बेज है। उन्होंने 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच का पद संभाला था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दीनानाथ राजपूत को सामाजिक कार्यकर्ता थे रोहिणी नैयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीनानाथ राजपूत ने किसान उत्पादक संगठन FPO की स्थापना छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया। दीनानाथ राजपूत को 10 लाख का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोलिविया में। फ्रेंड्स दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, बोलिविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना रोसाटॉम कंपनी द्वारा की गई है। रोसाटॉम रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है। इस रिएक्टर की स्थापना बोलिविया के एल अल्टो में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में बनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का पहला लेवेंडर फार्म जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के चल्ला गांव में बन रहा है। यह कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। यूरोप के मूल निवासी लेवेंडर को 2018 में CSIR अरोमा मिशन के तहत जम्मू संभाग के समशीतोष्ण क्षेत्रों में द्वारा पेश किया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोवा में 73वें राष्ट्रीय खेल में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रियंका गोस्वामी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर की रेस में नया रिकॉर्ड बनाया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकंड में पूरी की। इसमें राष्ट्रीय खेलों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवी ट्रेनिंग स्कूल किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया।
दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवी स्कूड। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि उसने कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में दक्षिण एशिया के पहले एयरक्राफ्ट रिकवी ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर 2023 को कहाँ होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने 2+2 बैठक के लिए अगले माह नई दिल्ली आएंगे। यह बैठक विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ होगी। यह मीटिंग 9 से 10 नवंबर 2023 के बीच आयोजित होगी। फ्रेंड्स, कल के करंट अफेयर का रिवीजन देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीलंका ने त्रिकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया है, किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा निर्मला सीतारमण ने जो है श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया है। सेकंड क्वेश्चन है, हुनरू इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सीम आदर जो है पहले स्थान पर है। लीला ओमचेरी का निधन हो गया, वो कौन थी? तो और शास्त्रीय संगीतकार थी फ्रेंड्स, लीला ओमचेरी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायन शुरू किया है? तो मुंबई से यह शुरू किया है फ्रेंड्स। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 28 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो मनोरंजन मिश्रा जो है RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। कोटक महिंद्रा के जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा? ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप जो है कोटक महिंद्रा का 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो केरल राज्य जो है लॉन्च करेगा फ्रेंड्स। जनरल नॉलेज के पिटारा में भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ तथा उनकी ऊंचाई को हम आज पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। K2 पर्वत चोटी, यह लद्दाख में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। कंचनजंगा चोटी, यह सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर है। नंदा देवी, यह उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7816 किलोमीटर है। कामेट पर्वत, इसकी ऊंचाई उत्तराखंड में उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7756 किलोमीटर है। सलतोरो कांगरी, यह लद्दाख में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7742 किलोमीटर है। सयसर कैगरी, यह लद्दाख में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7672 किलोमीटर है। मामोस्तोंग कांगरी की कांगरी, यह लद्दाख में स्थित, इसकी ऊंचाई 7516 किलोमीटर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमें चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।